बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं, द टॉपिक इज़ इन्वर्स ऑफ अ 3x3 मैट्रिक्स। आज की इस वीडियो में हम 3x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करना सीखेंगे। सबसे पहले इन्वर्स का फार्मूला, ए इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट, वेयर ए डिटर्मिनेंट इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। डिटर्मिनेंट ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, इट मीन्स के जो मैट्रिक्स है वो नॉन सिंगुलर होना चाहिए। अगर डिटर्मिनेंट ज़ीरो के इक्वल आ गया तो इन्वर्स पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डिटर्मिनेंट जो है वो डिनोमिनेटर में है और डिनोमिनेटर ज़ीरो आ जाए तो फ्रैक्शन अनडिफाइंड हो जाता है। तो पहले हमें डिटर्मिनेंट फाइंड करना पड़ेगा, और डिटर्मिनेंट के लिए जो फार्मूला मैं यूज़ करूँगा, डिटर्मिनेंट को हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम से एक्सपेंड कर सकते हैं। डिटर्मिनेंट को जो फार्मूला हमने जिस रो या जिस कॉलम से डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करना हो, हम उसी रो या उसी कॉलम की एंट्रीज़ को उनके को फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं और प्रोडक्ट्स को हम ऐड करते हैं तो डिटर्मिनेंट आ जाता है। मैं इसको फर्स्ट रो से एक्सपेंड करूँगा तो इसका फार्मूला ये बनेगा a11 स्मॉल ए एंट्री को और कैपिटल ए को फैक्टर को डिनोट कर रहा है, a12 प्लस a13 a11 मीन्स एंट्री ऑफ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम की एंट्री है 2, ये जो 2 है ये a11 है, और फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम की एंट्री a12, ये वाला 2, और फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम की एंट्री a13 वो है 1। इसी तरह ये वाला जो 1 है ये है a21, एंट्री ऑफ सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम ये है a22, एंट्री ऑफ सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम ये a23, एंट्री ऑफ थर्ड रो सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम और ये जो है ये है a31, एंट्री ऑफ थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम ये a32, एंट्री ऑफ थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम और ये a33। डिटर्मिनेंट के बाद एडजॉइंट का जो फार्मूला है, एडजॉइंट 3x3 ऑर्डर का एडजॉइंट या 3 से ग्रेटर ऑर्डर के जो एडजॉइंट है उनका फार्मूला है ट्रांसपोज ऑफ द को फैक्टर मैट्रिक्स। तमाम एंट्रीज के को फैक्टर्स फाइंड करने के बाद उस मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज लें तो एडजॉइंट आ जाता है। तो ये फार्मूला कुछ इस तरह से, 3x3 में a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33 और इसका ट्रांसपोज, ये एडजॉइंट। और ये जो को फैक्टर है, को फैक्टर का जो फार्मूला है aij इज इक्वल टू -1 raised to power i + j इंटू mij, m माइनर और a को फैक्टर। तो पहले हम जिस मैट्रिक्स का हमने इन्वर्स फाइंड करना है, पहले हम उसके को फैक्टर्स फाइंड करेंगे। को फैक्टर्स फाइंड करने के बाद फिर हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, डिटर्मिनेंट के बाद एडजॉइंट फाइंड करेंगे, और एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट की वैल्यूज़ को हम इन्वर्स के फार्मूले में पुट करेंगे तो हमारे पास इन्वर्स आ जाएगा। तो हम फाइंड करने लगे को फैक्टर्स। a11 -1 raised to power 1 + 1 m11। अब माइनर, ये जो m है ये कैसे फाइंड करना है, m11 फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम की जो एंट्रीज़ हैं वो आपने स्किप कर देनी है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम की एंट्रीज छोड़ देनी है, बाकी एंट्रीज़ का डिटर्मिनेंट जो है वो m11 आ जाएगा। -1 raised to power 1 + 1 2। अब m11 फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम की एंट्रीज छोड़ देंगे, ये फर्स्ट रो गई और ये गया फर्स्ट कॉलम, बाकी हमारे पास आ गया -1 6 2 -1। अब ये 2x2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, -1 के ऊपर यानी नेगेटिव साइन के ऊपर पावर अगर इवन नंबर होगी तो वो +1 आंसर आएगा यानी -+ हो जाएगा, और अगर माइनस के ऊपर पावर हुई ऑड नंबर तो वो माइनस ही रहेगा। तो क्योंकि 2 जो है वो इवन है इसलिए -1 की पावर 2 ये +1 हो जाएगा। अब ये 2x2 का डिटर्मिनेंट हम जो एक्सपेंड करते हैं
इन दो एंट्रीज को मल्टीप्लाई करते हैं और इनके प्रोडक्ट में से इन एंट्रीज के प्रोडक्ट को माइनस करते हैं। तो माइनस वन को माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस वन, और ये माइनस फार्मूले का साइन है। सिक्स को टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा ट्वेल्व। वन में से ट्वेल्व माइनस करेंगे माइनस इलेवन आ जाएगा, और वन को माइनस इलेवन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए वन वन इज माइनस इलेवन। ए वन टू माइनस वन रेज टू पावर वन प्लस टू ये आ जाएगा थ्री। अब हमने फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम की एंट्री स्किप कर देनी है। फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, ये फर्स्ट रो गई और ये गया सेकंड कॉलम। तो बाकी हमारे पास जो एंट्रीज आई वन सिक्स थ्री माइनस वन। अब माइनस वन के ऊपर पावर ऑड नंबर है तो ये माइनस वन आएगा, माइनस वन की पावर थ्री माइनस वन आ जाएगा। वन मल्टीप्लाई बाय माइनस वन माइनस वन माइनस सिक्स मल्टीप्लाई बाय थ्री ये आ गया एटीन। माइनस वन इंटू माइनस वन एंड माइनस एटीन माइनस नाइनटीन। माइनस वन माइनस नाइनटीन से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ गया प्लस नाइनटीन। नेक्स्ट ए वन थ्री माइनस वन रेज टू पावर वन प्लस थ्री फोर, और इसका जो माइनर है हमने फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम स्किप करना है। ये फर्स्ट रो गई और ये गया थर्ड कॉलम। बाकी एंट्रीज हम इस डिटर्मिनेंट में लिखेंगे वन माइनस वन थ्री टू। माइनस वन रेज टू पावर फोर, फोर ही वन नंबर है तो ये आ जाएगा प्लस वन। वन मल्टीप्लाई बाय टू टू माइनस, माइनस वन मल्टीप्लाई बाय थ्री माइनस थ्री। ये माइनस आपने ज़रूर लगाना, ये फार्मूले का साइन है, और ये माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आया। माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो ये प्लस थ्री आ जाएगा। टू प्लस थ्री फाइव, और वन को हम फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए वन थ्री इज फाइव। नेक्स्ट अब सेकंड रो में आ जाते हैं ए टू वन माइनस वन रेज टू पावर टू प्लस वन थ्री। अब सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को स्किप करेंगे, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम की एंट्रीज को छोड़ देंगे, और बाकी एंट्रीज जो हमारे पास आई टू वन टू माइनस वन, माइनस वन रेज टू पावर थ्री, थ्री ऑड नंबर है तो ये आएगा माइनस वन। टू मल्टीप्लाई बाय माइनस वन माइनस टू, माइनस वन मल्टीप्लाई बाय टू टू, माइनस वन इंटू माइनस टू ये आ जाएगा माइनस फोर। दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस फोर, माइनस वन को माइनस फोर से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस फोर आ गया। नेक्स्ट ए टू टू माइनस वन रेज टू पावर टू प्लस टू फोर। अब सेकंड रो और सेकंड कॉलम छोड़ देंगे, सेकंड रो और सेकंड कॉलम को स्किप करेंगे, ये सेकंड रो गई और ये गया सेकंड कॉलम। बाकी एंट्रीज आई जी टू वन थ्री माइनस वन, माइनस वन रेज टू पावर फोर, फोर ही वन नंबर है तो ये प्लस वन आ जाएगा। टू मल्टीप्लाई बाय माइनस वन माइनस टू, माइनस वन मल्टीप्लाई बाय थ्री थ्री, वन इंटू माइनस टू एंड माइनस थ्री आ गया माइनस फाइव। वन मल्टीप्लाई बाय माइनस फाइव माइनस फाइव आ गया। नेक्स्ट ए टू थ्री माइनस वन रेज टू पावर टू प्लस थ्री, टू प्लस थ्री इज फाइव। अब सेकंड रो और थर्ड कॉलम स्किप करेंगे, सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम, ये सेकंड रो गई और ये गया थर्ड कॉलम, तो ये आ गया टू टू थ्री टू। माइनस वन रेज टू पावर फाइव, फाइव ऑड नंबर है तो ये माइनस वन आ जाएगा। टू मल्टीप्लाई बाय टू फोर, माइनस टू मल्टीप्लाई बाय थ्री सिक्स, माइनस वन इंटू फोर माइनस सिक्स माइनस टू, माइनस वन मल्टीप्लाई बाय माइनस टू ये आ जाएगा प्लस टू। लास्ट रो ए वन ए थ्री वन माइनस वन रेज टू पावर थ्री प्लस वन फोर। अब थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम को स्किप करेंगे, थर्ड रो ये गई जी थर्ड रो और ये गया फर्स्ट कॉलम, ये आ गया टू वन माइनस वन सिक्स, माइनस वन रेज टू पावर फोर, फोर ही वन नंबर है तो ये प्लस वन आ जाएगा। टू मल्टीप्लाई बाय सिक्स ट्वेल्व, माइनस वन मल्टीप्लाई बाय माइनस वन माइनस वन, माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा ये प्लस वन आ जाएगा। ट्वेल्व प्लस वन थर्टीन, वन मल्टीप्लाई बाय थर्टीन ये आ गया थर्टीन।
नेक्स्ट ए 3 2 माइनस 1 raised to power 3 प्लस 2 5। अब थर्ड रो और सेकंड कॉलम, ये थर्ड रो गई, थर्ड रो और ये गया सेकंड कॉलम, ये आ गया जी 2 1 1 6 माइनस 1 raised to power 5 फाइव ऑड नंबर है, ये माइनस 1 आ जाएगा, 2 multiplied by 6 12 माइनस 1 multiplied by 1 1 12 माइनस 1 11 माइनस 1 multiplied by 11 माइनस 11 लास्ट ए 3 3 माइनस 1 raised to power 3 प्लस 3 6। अब थर्ड रो और थर्ड कॉलम, ये थर्ड रो गई और ये गया थर्ड कॉलम, बाकी एंट्रीज हमारे पास आई 2 2 1 माइनस 1 माइनस 1 raised to power 6 6 इवन नंबर है तो ये प्लस 1 आ जाएगा, 2 multiplied by -1 -2 माइनस 2 multiplied by 1 2 -2 and -2 -4 1 multiplied by -4 ये आ गया -4। तो ये हमने कोफैक्टर्स फाइंड किए। अब हम ये कोफैक्टर्स की वैल्यूज जो हैं वो पहले डिटरमिनेंट के फार्मूले में पुट करेंगे। ये डिटरमिनेंट का फार्मूला, इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं, पहले डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे। a11 इज़ 2 मल्टीप्लाई बाय कैपिटल a11 यानी इसका कोफैक्टर और वो है -11 प्लस a12 19 प्लस a13 5 2 multiplied by -11 -22 2 multiplied by 19 प्लस 38 1 multiplied by 5 5 -22 प्लस 38 प्लस 5 ये आ गया 21। डिटर्मिनेंट इज 21 विच इज नॉट इक्वल टू 0 देयरफॉर इनवर्स इज पॉसिबल। क्योंकि डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं है, इट मींस के जो मैट्रिक्स ए है, जो ए मैट्रिक्स क्वेश्चन में गिवन है, वो नॉन सिंगुलर है, इसलिए उसका इनवर्स जो है वो पॉसिबल है। अब हम इनवर्स से पहले एडजॉइंट फाइंड करेंगे। एडजॉइंट के फार्मूले में हम वैल्यूज पुट करेंगे। एडजॉइंट के फार्मूले में हम वैल्यूज पुट करते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू a11 इज -11 a12 19 a13 5 a21 4 a22 -5 a23 2 a31 13 a32 -11 a33 is -4 -4 ये हमने कोफैक्टर्स की वैल्यूज पुट की। अब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो एडजॉइंट का आंसर आ जाएगा। ट्रांसपोज में हम रोज़ को कॉलम्स में इंटरचेंज कर देते हैं, तो ये जो फर्स्ट रो है -11 19 5 ये ट्रांसपोज लेने के बाद फर्स्ट कॉलम बन जाएगा। सेकंड रो 4 -5 2 ट्रांसपोज में ये सेकंड कॉलम आ जाएगा 4 -5 2। थर्ड रो जो है वो थर्ड कॉलम बन जाएगा 13 -11 -4 ये आ गया एडजॉइंट और ये डिटर्मिनेंट। अब इनवर्स, इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट इज -11 4 13 19 -5 -11 5 2 -4 डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट विच इज 21। अब अंदर हर एंट्री को हम 21 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ए इनवर्स का आंसर आ गया -11 over 21 4 over 21 13 over 21 19 over 21 -5 over 21 -11 over 21 5 over 21 2 over 21 -4 over 21 ये आ गया जी ए इनवर्स। तो ये थी हमारी आज की वीडियो।
आज के लिए इतने काफ़ी है, बाकी इंशाल्लाह कल। ओके, अल्लाह हाफिज़।